आटा का लुइया लीजिएगा, नहीं क्योंकि मसाला भरना है। सब अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं हमको। हमें एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी लवली गर्ल डेली लाइफ ब्लॉग में। और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज का दिन का शुरुआत आप लोगों से कुछ बातों से शेयर करना चाहते हैं। और आज हम कुछ रेसिपी भी बनाना वाले हैं लिट्टी चोखा, जिसका ऊपर में आप लोगों को व्यू मतलब आज वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात है, आप लोग तो सब मेरे को पहचानते नहीं है क्योंकि हम बड़े यूट्यूबर नहीं हैं। तो जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे, आप लोग मेरा वीडियोस देख के पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पे हमेशा बने रहिएगा और मेरा वीडियो हमेशा एंड तक देखिएगा। तो आप लोग जान पाइएगा कि कैसे मतलब हम कौन सा ऊपर में टॉपिक का ऊपर में कौन सा ऊपर में वीडियो पोस्ट करते हैं, आप लोग सब जान पाइएगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज आप लोगों से शेयर करने वाले हैं लिट्टी चोखा रेसिपी। तो वीडियो पे बने रहिए, हम आगे आगे आपको वीडियो दिखाते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लिट्टी चोखा कैसे बनता है। देख सकते हैं आप लोग, हम अभी लिट्टी बना रहे हैं। ये इसमें हम जवाइन, मंगरेला और कोई भी अचार का तेल मसाला, उसी का वही अचार का मसाला और स्वाद अनुसार नमक। और ये है छत्तू, मतलब कोई भी मार्केट में मिल जाएगा, कहीं मतलब मिलता है जहाँ पर बेसन छत्तू पैकेट बोलिएगा, तो वही छत्तू को डाल के इसमें सब मिक्स करना है। और सरसों का तेल, और यहाँ हम रखे हैं देखिए अदरक, लहसुन, नींबू, कच्चा मिर्चा, सबको एक जार में ग्राइंडिंग करके अच्छा से महीन छोटा छोटा करके इसमें डालेंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके ढाँक के रख देंगे और आटा सान के रखेंगे और उसके साथ चोखा भी बनाएंगे बैंगन आलू टमाटर डाल के। और आप लोग वीडियो पे बने रहिए, हम लिट्टी कैसे बनाते हैं आगे आगे आप लोग देखिएगा, वीडियो पे बने रहिए। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी आटा सान रहे हैं, आटा को सान के अभी रख देना है, डेरी में बनाएंगे मसाला और इसको सब प्रिपेयर करके रख देंगे रेडी करके, उसके बाद बनाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। देखते हैं ये आलू बैंगन टमाटर कच्चा मिर्चा प्याज धनिया पत्ता स्वाद अनुसार नमक और सरसों का ऑयल और सब अभी मिक्स करेंगे। ये चोखा, ये लिट्टी का मसाला और आटा। और अभी छानने के लिए यहाँ पर तेल डाले हैं, मतलब आप गोइठा वाला भी बनता है मगर हम छाना छाना वाला बनाएंगे। और ये आलू रखे हैं, और जो मेरा बेटा है वो नहीं खाता है लिट्टी चोखा, जिसका वजह से उसके लिए आलू फ्राई करेंगे अभी और रोटी बनाएंगे। तो कैसे भरते हैं मसाला, भर के इस भर के लिट्टी बनाते हैं और आपको बता रहे हैं, और आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए। आटा का लुइया लीजिएगा, अच्छा से उसको हल्का बेल देना है बर्तन थोड़ा सा लेके, जैसे रोटी बेलते हैं से हल्का, ज़्यादा नहीं क्योंकि मसाला भरना है। सब अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं, हमको हम ऐसे ही बना पाते तो ऐसे ही बनाते हैं। चम्मच ला रहे मसाला भरना है, उसके बाद इसको अच्छा से सील कर देना है। जैसे अंदर का मसाला बाहर नहीं आए, बस उसे सील करना है। बस हल्का सा हाथ से प्रेस करिएगा, जो पतला ज़्यादा खाते हैं बेल सकता है मगर हम ऐसे बनाते हैं। बस अभी
दाल में डालना है। और धीरे धीरे मतलब जैसे डालिएगा अपने आप फूलेगा, फूलने से ही अच्छा लगता है, खाने में नरम रहता है। आप लोग देख सकते हैं ये बोला गंदा दिख रहा है, देख सकते हैं। अभी लिट्टी बन के निकाले हैं और बनाना बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है। और ये चोखा है, लिट्टी और चोखा जोड़ीदार है पार्टी। लिट्टी बिना चोखा अधूरा है, देख सकते हैं। कौन कौन खाएगा आओ, जल्दी जल्दी आओ, जो आएगा मिलेगा। चलेगा, कोई ये नहीं है, खाइए खाइए। तो फिर पूछेंगे, क्या आज जवाब बना है एकदम ब्यूटीफुल, अच्छा लगा। अभी खा करके बहुत मजा आ गया। अच्छा लगा लिट्टी आपको? बहुत मस्त, एक नंबर लिट्टी। चलिए देखिए खा रहे हैं और अभी बनाना बाकी है। उनको दो ठो बना के ही दिए हैं और अभी बाकी है बनाने के लिए। तो आप लोगों को मेरा लिट्टी चोखा रेसिपी कैसे लगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लव मी एंड टेक केयर। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।